और ये है जी होंडा सिटी 70 का नया शाहकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी सुबह हो चुकी है, आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले सुबह का काम ये गाड़ी वॉश करना, और ये मैंने वॉश करके रेडी कर दी है। फिलहाल हमारी करोला गई है बाहर, वो वापस आएगी तो उसको भी वॉश करके रेडी कर लेंगे, और उसके बाद बारी आएगी खुद की रेडी होने की, तो हमारी डे रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें जी ब्लैक ब्यूटी, वॉश करने के बाद क्या ही लुक निकलती है इसकी। आज के वेदर की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग हल्की सी फॉग जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन अब तेज धूप निकल आई है और मौसम बिल्कुल क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है। जोर ला के चढ़ो ना, की हो गया। नहीं नहीं, आओ चढ़ाओ जोर ला। की हाल चाल है। बिल पास हो गया फिर रात। अच्छा, मैं तो हर नहीं सुना थे, उधर एक दगड़ दला नहीं होया। नहीं हो गया। अच्छा, 221 वोट आए हुकूमत दे। अच्छा, उन्होंने 203 आए, बस पास हो गया राती बिल। मर गए बड़े उन्होंने, मर गए उन्होंने बड़े। इमरान खान जिंदाबाद। कितनी देर तक ठीक हो जाएगी पापा पनीरी? ਇਹਨੇ ਤੇ ਫੂਲ ਆ ਜਾਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਇਸ ਦਾ। करोला हमारी आ चुकी है जिसको वॉश करते हैं। फिलहाल पाइप जो है वो माली बाबा ने लिया हुआ है, जैसे वो फ्री करते हैं हम जल्दी से गाड़ी को वॉश करेंगे। बाबा ये हो गया पाइप फ्री, ले जा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी काम कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी मुझे जाना है मोबलिंग जैस के ऑफिस में, वहाँ पे काम है वो कंप्लीट करके आता हूँ। प्रिंसेस को मैंने बाहर निकाल लिया, इस पर चलते हैं जल्दी से। तो जय फ्रेंच फ्राइज में पहुँच चुका हूँ, यहाँ से अपना काम कंप्लीट करते हैं और वापस चलते हैं। अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, मोबलिंग फ्रेंचाइज से मेरा काम नहीं हो पाया, तो अभी हम निकलेंगे DHA के लिए, फिर वहाँ से स्कूल जाएंगे। तो अभी टाइम है जी निकलने का, गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली। जी मैं पहुंच चुका हूं DHA वाई ब्लॉक पोर्ट कोरी, यहां पे कुछ काम है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे स्कूल की तरफ। मोबलिंग के ऑफिस से मुझे करवाना था जैज़ कैश, उस टाइम जो था उनका सिस्टम बिजी जा रहा था, पता नहीं अब ठीक हुआ कि नहीं। खैर मुझे अर्जेंट करवाना था, तो अभी तो स्कूल से वापसी पे ही करवा पाऊँगा। किड्स प्लानट वाई ब्लॉक आ चुके हैं हम इस वक्त, मार्केट से होते हुए हम पहुँच चुके हैं स्कूल, यहाँ से घर वापस जाएंगे। घर वापस आया हूँ, तो अब दोबारा मोबलिंग फ्रेंचाइज पे जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे सर्विस जो है वो आ रही है अब कि नहीं। तो फाइनली जैज़ कैश वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो मेरा काम हो गया है। और जी अब दोबारा से निकलने का टाइम आ चुका है, तो अभी 2 बज चुके हैं, लंच मैंने कर लिया है और लंच करते ही निकल पड़ा हूँ। आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है।
मगर वापस आ गया हूँ। अभी गाड़ी छोड़ूंगा इधर और चलूंगा अपनी बाइक पे, हम चलेंगे DHA। तो जी फाइनली DHA में पहुँच गया हूँ, सामने वाली शॉप पे जाना है। इधर बैग्स की पूरी कलेक्शन माशाल्लाह। तो जी जो चीज़ यहाँ से लेनी थी वो तो नहीं मिली, अब आगे चलते हैं। घर वापस मैं पहुंच चुका हूं, अभी टाइम हुआ है 4:30 का। तो अभी गाड़ी को थोड़ा सेट मेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। और ये है जी होंडा CT70 का नया शाहकार, जिसमें मैंने सुना है कि 101 चेंजेस हैं, जो कि बाहर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते सिवाय स्टिकर के। स्टिकर अच्छा दिया हुआ है इस दफ़ा। न्यू बाइक आई है जी, इसको ज़रा देखते हैं कैसी है। ना इंडिकेटर चल रहे हैं और हॉर्न भी ठीक चल रहा है। बैटरी चेक करता हूँ, बैटरी खोल के मैंने चेक की है और बैटरी का वाटर लेवल जो है बिल्कुल ठीक है, फिर कोई और मसला होगा। तो मैं इस बाइक का साउंड चेक करता हूँ। जितनी इंजन से आवाज़ आ रही है उतनी साइलेंसर से नहीं आ रही। बाइक अभी सिर्फ 700 प्लस किलोमीटर चली है और देखें ये करंट का मसला आ भी गया इसमें। ज़्यादातर समझा जाता है कि होंडा के बाइक की क्वालिटी अच्छी होती है। सो जी मैं तब की रेस्ट कर रहा था, अभी टाइम हो चुका है 6:00। तो जी अभी 6:00 बज चुके हैं, हल्की हल्की सी सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो हम आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपको मिलूंगा कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।